मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक दिवसीय दौरे पर अमरपाटन के रामनगर पहुंचे। यहां उन्होंने आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए जनता से भाजपा प्रत्याशी गणेश सिंह को जिताने की अपील करी। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस की सरकार थी तो पाकिस्तान आए दिन हमला करता था, आज पाकिस्तान की पटाखा फोड़ने की भी औकात नहीं है। इस दौरान राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि राहुल गांधी राम के विरोधी हैं और ऐसे राम विरोधियों को भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। राहुल गांधी को मालूम है कि मध्य प्रदेश में मोदी की हवा चल रही है, इसलिए आने की हिम्मत ही नहीं। ये कांग्रेस ने झूठी बात फैलाई थी और हम तो ये जानते थे कि वो आ भी जाते तो कुछ होने वाला नहीं। वो दो हर बार आते हैं और हर बार आने के बाद कोई वजन नहीं, तो ना आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ मोदी की हवा चल रही है और 29 की 29 लोकसभा सीट भाजपा जीतने वाली। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।